सो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए न्यू रेसिपी लेकर आई हूँ फिर से, यानी कि भिंडी मसाला का। मैं जिस तरह का भिंडी बनाती हूँ और भिंडी का सब्जी खाना किसको किसको पसंद कमेंट कर जरूर बताइएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड मैं देख सकते, तो भिंडी को अच्छे से तरीके से मैं फ्राई कर चुकी हूँ। बीच से थोड़ा सा कट कर दी ताकि इसका जो लस्सापन है वो हट जाए, तेल में फ्राई करेंगे। तो और यहाँ पर आलू को मैं फ्राई करी लंबा लंबा आलू काट करके, क्योंकि आज से लंबा लंबा आलू का सब्जी खाने का मन किया, इसलिए मैं लंबा लंबा आलू काट कर उसको मैं स्टोव कर अभी फ्राई कर रही हूँ। इसलिए आप लोग बने रहे हैं ब्लॉग में, अभी इसको हटाते फ्राई वाला आलू को। और यहाँ पे फ्रेंड मेरा मसाला फ्राई हो चुका है, नमक मेरे पास नहीं था तो मुझे यहाँ पे काला नमक डालना पड़ रहा है सब्जी पे, क्योंकि इतना रात भी हो गया फ्रेंड, अभी नमक दुकान भी बंद हो चुका है, यानी कि सब्जी चावल दाल दुकान बंद हो गई तो नमक कहाँ से मिलेगा फ्रेंड, लेकिन तो मैं अभी काला नमक यूज़ करूँ। दिमाग अपना पागल दिमाग यानी उल्टा दिमाग लगा करके मैं अभी यूज़ करूँ नमक। तो आप लोग क्या ऐसे करते हो कमेंट को बताइएगा, आप लोग काला नमक कभी मिला के खाए कि नहीं सब्जी में बनाने से, मैं इतना बताइएगा फ्रेंड। और मैं फर्स्ट टाइम ऐसे पागल वाला हरकत कर रही हूँ, पता नहीं सब्जी किस तरह का बनेगा। हाई अप के सब्जी अच्छा बने और खाने में भी अच्छे लगे, कहीं रही जी डांटने ना लगे, मैंने डांटेगा तो फिर बहुत बहुत मुश्किल है, तुम जानते हैं ना मैं दिमाग ख़राब हो जाएगा। और फिर मैं मैगी मसाला को ऐड कर दे रही हूँ, फटाफट मैगी मसाला को ऐड करके अभी सब्जी वब्जी बनाने स्टार्ट करती हूँ। इसलिए आप लोग बने ब्लॉग में प्यार सपोर्ट करते रहिएगा, सब बताइएगा रेसिपी कैसे लगा फ्रेंड। और इसके बाद मैं इसको अच्छे से फ्राई करने के बाद इसमें फिर डाल दूंगी भिंडी आलू को मिक्स करने के बाद, इसमें पानी डाल के इसको अच्छे से तरीका का बॉईल करते हैं, तब तक जब तक आलू नहीं सीजे तब तक मैं इसको बॉईल करते रहूँगी। आलू सीजने के बाद सब्जी बनकर रेडी और खाना खा के सो जाओ। फैमिली वेलकम टू माय चैनल पे आप सभी को स्वागत है। मेरे तो तुम बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मैं ब्लॉग से बस ठीक हूँ फ्रेंड। और गुड आफ्टरनून फ्रेंड, अभी मैं ब्लॉग स्टार्ट करी दोपहर में और अभी हम लोग जो निकल रहे हैं मार्केट के लिए फ्रेंड, क्योंकि सब्जी वब्जी नहीं है, सब सब्जी खत्म हो चुका है। तो हम बोले कि चलो रोहित का भी छुट्टी है तो आज ये मार्केटिंग कर लेते, वरना फिर कल से काम में उसका पकड़ लेंगे, मतलब जाएंगे काम तो फिर जानते ना अकेले बच्चा लेकर उतना दूर बाजार जाओ, फिर बाजार से थैला पकड़ो बच्चा पकड़ो, होता नहीं इस वजह से। और आज हम लोग नाश्ते में बहुत टेस्टी टेस्टी मैगी खाए थे फ्रेंड, और बहुत ज़्यादा ही टेस्टी लगा था लेकिन रियल में, लेकिन हम लोग उसको ब्लॉग नहीं बना पाए उसके लिए सॉरी फ्रेंड। रोहित जी बुलाएं, कैसा लगा था मैगी? अरे ये देखो अच्छा ही है। कैसा लगा था मैगी? अच्छा मैगी ऐसे तो सही नहीं लग रहा था, ये का डाल के खा रहे थे तब सही लगा। क्या क्या बोलते हैं, टमाटर से सर चिल्ली से डाले तो अच्छा लगा। देखो बेइज्जती कर दिया ना फ्रेंड, थोड़ा भी खुशी नहीं देखा जाता, नहीं बेइज्जती पे बेइज्जती। ओके कोई बात नहीं, जो है रियल जो हमको सही लगा हम वही बोलेंगे, छोड़ दो जैसे बात नहीं करना है। देखिए फ्रेंड, ये संतरा है या नस्पति है कि ये क्या बोलते उसको, जूस बनाने के लिए क्या बोलते उसको, भूल गया, नौसमनी मौसम्बी। अच्छा तो फ्रेंड ये क्या बताइएगा, ये पता है ताज़ा ताज़ा फ्रेंड, ये मैं खुद अपने हाथ से तोड़ी हूँ ये, समझते इसको जो रोहित जी बोल चीनी उन्हें डाल के इसको जूस बनाएंगे, बोले ना बनाओ गया जूस। तभी चलते हैं, लड्डू भी आ रहा है, थैला भी ले लिए हैं, छाता पकड़ लेते हैं, चलो निकलते हैं अब घर से बाहर। चल लड्डू जल्दी जा, पापा को दी करे, जल्दी जा जल्दी जा जल्दी जा जल्दी जा जल्दी जल्दी जल्दी, दौड़ो 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 दौड़ो, भाग रहा फ्रेंड फटाफट, जानते इतने स्पीड से दौड़ रहा है सो पापा पास जाने के लिए। तो चलो आप लोग बने रहे, अभी चलते हम लोग साथ में, आप लोग मेरे साथ चलो। और बारिश तो काफ़ी ज़ोर से आने वाली है, थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है, झिमझिम पानी गिर रहा है, उसके बाद फिर रुक जा रहा है, फिर झिमझिम पानी गिर रहा फिर रुक जा रहा है। तो चलिए छाता पकड़ लिया, ताला चल पकड़ लिया और थैला पकड़ लिया, अभी निकलते हैं घर से बाहर, अब लोग चलो मेरे साथ। घर का बाहर आ चुका है, वहाँ में माँ तारिणी का मंदिर है जो हम पूजा किए थे पिछले बार, और ये मेरा स्कूल है जो पहले हम पढ़ते थे यहाँ पे बचपन में, यानी हो गया 5-6 साल यहाँ पे पढ़ते थे, हर एक स्कूल दिखाएंगे। तो चलिए अभी चलते हैं बाजार की ओर, ऊपर मौसम देख सकते हैं अभी साफ दिख रहा है, फिर थोड़ी देर में फिर अंधेरा हो जाएगा। हम देख रहे हैं मेरे स्कूल जहाँ हम पढ़ते थे, हम ना बचपन में बोले हम चार स्कूल मतलब छोड़े पड़े। सबसे पहले मेरे नानी का घर हम पढ़ते थे, वहाँ से निकल गए थे स्कूल से, और वहाँ पर पहले ना उतना ठीक से पढ़ाई नहीं कराता था टीचर लोग, आप लोगों को पता है पहले वाले टीचर लोग क्या करते थे, हम लोग सब पता है आपको, जो ही खुजवाता था, कभी पैर दबाने बोलता था, कभी उन लोगों का टिफिन उफिन घर पर छूट जाता था तो लाने भेजता था, पता है हम लोगों को पहले इसे करता था स्कूल में, फिर जैसे तैसे करके मेरा तो फ्रेंड पहले ऐसे होता था हमारे स्कूल पे, और उसके बाद जैसे तैसे पढ़ाई हुआ और हम पहले उतना पढ़ने भी नहीं सीखे थे फ्रेंड वाले स्कूल में, क्योंकि आधा टाइम तो पूरा टीचर लोगों का सेवा करने में लगता था,
तो इस वजह से नहीं होता था। और अभी पढ़ाई वढ़ाई बहुत अच्छा था अपने स्कूल से। मैम लोग न्यू न्यू आई है ना, चेंज हो गए मैम लोग स्कूल की, तो बहुत सुंदर सुंदर अच्छे अच्छा बच्चे लोगों से सिखा रही है, पढ़ा रही है। हम एक बार गए थे स्कूल ऐसे ही देखने के लिए, मैम लोग तो मैम लोग ही थी और दूसरा वाली मैम लोग थी, तो बहुत अच्छी अच्छी थी। और क्या करो फ्रेंड, पहले ऐसे होता था हमारे स्कूल पर, और आप लोग स्कूल पर कैसे होते तो बताइएगा। इसलिए मेरा सब जगह आधा था पढ़ाई हुआ फ्रेंड, और यहाँ पे अच्छा पढ़ाई हो रहा था। यहाँ पे मेरा पूरा 5 क्लास तक पढ़े थे और एग्ज़ाम देने वाले थे हम, मतलब 5 क्लास में चलने से फिर एग्ज़ाम देते ना फ्रेंड निकलने के लिए, फिर दूसरे स्कूल एडमिशन होने के लिए। तो तब मैं एग्ज़ाम देने के लिए नहीं आई थी फ्रेंड, क्योंकि उस टाइम में मेरे पापा का मतलब नहीं रहे थे, दुनिया में नहीं थे उस टाइम, मेरे पापा गुजर गए थे। तो मैं मम्मी लोग टाटा गया था मैं पापा को देखने के लिए, टाटा TMH में मेरे पापा भर्ती थे और वहीं पे उनका जान चल गया था। तो इस वजह से हम यहाँ पे एग्ज़ाम देने नहीं सके थे। और उसके बाद एक भैया थे उनके घर में मैं रहने वाला काम करती थी, घर काम यानी कि बच्चा देखने वाला काम करती थी, तो फिर उनके पास मैं रहती थी। तो वो बोला कि तुम स्कूल कहीं पढ़ी हो कि नहीं, तो हम बोले हम स्कूल पढ़े हैं बच्चे। तो फिर वो मेरे को यहाँ लेके गए थे, फिर यहाँ से मेरे को 5 लाख का जो TC होता वो TC निकाल के फिर दूसरा स्कूल में सरकारी अलग में एडमिशन करा देते। तो वहाँ पर भी 6 एडमिशन होते, 6 7 में जाने वाले थे, फिर 7 में फिर स्कूल में छोड़ दिए आने, क्योंकि उस टाइम फिर मैं मम्मी के पास हम चल गए थे, मेरी मम्मी का तबीयत ख़राब हुआ था इसलिए मैं मम्मी के पास चल गए थे। और फिर मेरी मम्मी का तबीयत ख़राब ऐसे हो रहा था फ्रेंड कि ना स्कूल पढ़ाई हो पाता ना बच्चा, मेरे भाई बहनों को छोड़ दूसरा स्कूल मेरा जो हम 6 क्लास में पढ़ने स्टार्ट किए थे, ये वाला स्कूल है फ्रेंड। लेकिन यहाँ पे 6 7 8 तक पढ़ाई होती है यहाँ पे, उसके बाद 8 क्लास से निकल जाते हैं यहाँ से, फिर दूसरा स्कूल में एडमिशन होता है फ्रेंड। ये वाला बड़ा निमडी है, हमने आधा कहानी बोले और आधा कहानी तो बोले ही नहीं फ्रेंड, क्योंकि फिर वो फ़ोन की थी वीडियो कॉलिंग, तो वीडियो कॉलिंग बात कर रहे थे इसलिए फ़ोन मतलब अपने आप एक्चुअली वीडियो पर रुक गया था। तो फिर मैं आप लोग अपने दोनों स्कूल दिखा दी हूँ, और भी स्कूल में पढ़ी थी ना वो सब दिखाऊंगी फ्रेंड। सब जगह आधा आधा पढ़ाई की स्कूल, क्योंकि कहीं भी पूरा पढ़ाई नहीं, तो कभी माँ का तबीयत ख़राब हो जाता तो कभी मेरे पापा का ऐसे डे टूट का क्या होता है, और कभी तो घर में राशन उसे नहीं रहने की वजह से ऐसे होता है ना पढ़ाई पर ना सब भंड हो गया था सब तक। चलो अब लोग बने रहे ब्लॉग पर और अब लोग दिखाते हैं आगे कहाँ जा रहे क्या करने हैं। फैमिली तो हम लोग मरकंडी मार्केटिंग हो चुका है, सब चीज़ ले लिए, आलू ले लिए, प्याज ले लिए, भिंडी ले लिए, और साथ में के लिए टमाटर लिए, अदरक लहसुन लिए, और सुई लिए, मुड़ी लिए फ्रेंड, और दूध लिए लड्डू के लिए, उसको पिलाएंगे जिस तरह लग खिलाने के लिए फ्रेंड, और इसका मलम ख़त्म हो गया था घाव के लिए, वो मलम लिए, और ऐसे लड्डू के लिए जो कपड़ा भी लिए फ्रेंड, क्योंकि राखी आने वाला है, राखी जो है और फिर कब पैसा रहेगा नहीं रहेगा है ना फ्रेंड, इस वजह से जो है लड्डू के लिए हम ले लिए हैं कपड़ा। और रोहित जी लड्डू को खिला रहे हैं क्योंकि मैं बेटा इधर से उधर होता, चलिए हम आप लोग को कपड़ा दिखाते हैं, और इसके लिए कपड़ा ले लिए फ्रेंड और चप्पल भी ले लिए साथ में। तो ले कैसे दिखा, तो हमारे रोहित से दिखाते हैं, आप जैसे रोहित जी पकड़ के रखे इतना सारा, तो दिखाओ सबसे पहले कौन सा कपड़ा दिखा रहे हो लड्डू का, मेरा चॉइस दिखा अपना चॉइस दिखा। तो फ्रेंड ये लड्डू के लिए रोहित जी पसंद किए है ये कपड़ा, और इसका टैग में भी दाम लिखा हुआ है, देख लो गाइस ये ड्रेस कैसे लग रहा है रोहित का चॉइस बताइएगा। ये लास्ट मॉल से लिए है क्योंकि वो बोले कि चलो ले लेते एक दो बच्चा का कपड़ा, क्योंकि मैं बच्चा का कपड़ा भी नया वाला है ना इसे पहनाने के लिए। और ये वाला मैं ऑनलाइन से ऑर्डर की थी, ये वाला 130 रुपये का कपड़ा फ्रेंड, कैसे लग रहा बताइएगा, 130 का कपड़ा ही है, सस्ता में मिला सेल में तो ले लिए फ्रेंड ऑर्डर करके। हाँ उसके साथ ये वाला पैंट है, और ये वाला 200 रुपये का चप्पल है लड्डू का, निकाल के दिखा वो चप्पल सही लग रहा है, चप्पल सही लग रहा है। तो देखिए फ्रेंड रोहित के लड्डू के लिए लिया फ्रेंड, क्योंकि उसका चप्पल जो था वो पुराना हो गया था ना वह, तो इसको जो हम कभी कभार पहनाएंगे बोल के लिए। तो कैसे लग रहा बताइएगा फ्रेंड। चलो अभी हम जा रहे हैं खाना बनाने फ्रेंड, अभी जा रहे हैं पहले क्या बना देंगे, झलमुड़ी बना दें, झलमुड़ी तो खाना ठीक है बना दे रहा अभी 2 मिनट में। तो चलो फ्रेंड दिखा दिए आप लोगों को, प्लीज़ नेगेटिव कमेंट मत कीजिएगा। हम
बहुत जन दीदी लोग कमेंट पढ़ रहे थे हम कि सब वो मैं मम्मी का लेकर फ्रेंड की अपने मम्मी को पैसा क्यों दे रही है मत दो बोल करके। तो फ्रेंड ने मेरी मम्मी है फ्रेंड जानते हम मानते हैं वो मेरे को एक टाइम में साथ नहीं दी थी लेकिन वो मेरी मम्मी ना फ्रेंड अपने मम्मी को कैसे भूल सकते फ्रेंड। तो इस वजह से मैं मम्मी को अभी जरूरत है फ्रेंड तो मैं मम्मी को देना जरूरी है फ्रेंड। और जहाँ मेरा मम्मी का हस्बैंड का बात रहा तो वो भी काम कर रहे बेचारा बहुत मेहनत करते वो भी लेकिन वो भी कितना करेगा फ्रेंड। मेरा भी फर्ज बनता है कि अपने मम्मी को साथ दें और कुछ नहीं फ्रेंड। अब देखिए बेटा तो छोटा फ्रेंड बेटा कमाता नहीं है ना जो बेटी से भरोसा नहीं करेगी मेरी मम्मी लेकिन बेटा छोटा है और मैं भाई को जा तक बोल रहे हैं कि अपना बच्चा को अपने पास नहीं रखती। मैं भाई बहन लोग खुद रहने नहीं खोजती मैं माँ के साथ में। मैं भाई बहन बोलते दीदी तुम अगर मम्मी के साथ रहना तब हम रहेंगे अगर तुम नहीं रहना तो फिर हम भी नहीं रहेंगे बोलते फ्रेंड। और हम शादीशुदा हम अपनी मम्मी घर में जाकर दो दिन तीन दिन चार दिन रह सकते हैं उतना दिन नहीं रह सकता रुपये स्पेशली मैं मम्मी के घर में आपको तो पता है फ्रेंड की बहुत ज़्यादा मतलब परेशान होती है और हम नहीं चाहते कि मैं मम्मी को परेशान करें अपने ऐसे ही बेचारी बहुत कष्ट मतलब सही है मेरी मम्मी बहुत कष्ट सही है जब से मेरे पिताजी नहीं रहा फ्रेंड। और क्या बोले और नहीं देना चाहते तकलीफ इसलिए मैं भाई बहन का अपने पास रखती लेकिन मैं भाई बहनों का अभी थोड़ा बड़ा हो रहा है तो ये लोग इधर उधर घूमना रहता है ये रहता तो इसलिए कब मतलब कब इतना बुआ घर चले जाता है तो कभी बड़ा माँ घर चले जाते हैं आधी पारी का घर रहता है कोई बात नहीं फ्रेंड चलो आप लोग बने रही है। और मेरे घर में पता है इतना बड़ा बड़ा चूहा सब आया इतना बड़ा बड़ा चूहा फ्रेंड पता नहीं कहाँ से आ गया इतना बड़ा बड़ा चूहा। तो हम जा रहे हैं खाना बनाएंगे और पहले रोहित जी की झिलमुड़ी बनाते तो आप लोग झिलमुड़ी का रेसिपी शेयर करते जल्दी जल्दी फटाफट बने रहो। इससे नया घर में आया मेरे घर पर झिलमुड़ी वाला ठेला लेके देख सकते यहाँ पर रोहित जी झिलमुड़ी बनाया कैसा है कैसा वैसे बेच रहे हैं झिलमुड़ी 10 रुपये 10 रुपये का क्या एक ठोंगा क्या आधा ठोंगा तो चबी लेके जाओ। खाना पीना हो चुका था तभी मैं भिंडी आलू बनाने वाली हरी अलग ताज़ा ताज़ा भिंडी अपना जरा ताज़ा ताज़ा भिंडी खाने का तो मज़ा ही कुछ और है। तो यहाँ पे मैं इतना सारा तेल डाल चुकी हूँ भिंडी को फ्राई करना और साथ में आलू को फ्राई करना आज आलू का कटर देख सकते थोड़ा कुछ अलग सा है जैसे लंबा लंबा देख सकते आलू का कटर लगाए। और यहाँ पे देख सकते कि आधा प्याज काटी हूँ और आधा प्याज यहाँ पे मतलब मिक्सर पर पीसी हूँ ताकि ये जो ग्रेवी थोड़ा अच्छा बने और इसमें सरसों दे के पीसी हूँ लहसुन अदरक मिर्चा डाल करके और इससे मज़ा ही आ जाएगा खाने पर मेरा मुँह में पानी आ रहा भी स्वच्छ स्वच्छ कर। यहाँ पे मैगी का मसाला यूज़ करेंगे फ्रेंड मैगी का मसाला डालेगा कोई भी सब्ज़ी में बहुत टेस्टी गमी लगता है खाने पे। तो चलिए तेल को गर्म होता है और उसके बाद फिर मैं भिंडी को फ्राई करती हूँ गाइस। चलो बोले बने रही यहाँ पे दूध में गर्म की हूँ और चावल बन के रेडी हो चुका है बस सब्ज़ी बनाना दे रही है फ्रेंड। देख सकते भिंडी को मैं अच्छे से फ्राई कर चुका है बीच बीच में मैं कट भी लगाई हूँ भिंडी का क्योंकि ताकि इसका लस्सापन हट जाए बोल करके। और यहाँ पे आलू को मैं फ्राई करूँ आलू को फ्राई होने के बाद मसाला वगैरह फ्राई करें चलो आप लोग बने रहें ब्लॉग पे। और आज मैं आप लोगों को भिंडी मसाला बनाकर दिखाती हूँ फ्रेंड कैसे बनता है घर में सिंपल सा और खाने में भी टेस्टी लगना चाहिए और थोड़ा देसी लुक में रहना चाहिए क्योंकि क्लब लगे जो मैं मसाला पीसती थी तो मसाला मैं ऐड कर चुकी हूँ गुंडा मसाला से भी। और यहाँ पर मैं टमाटर काटती हूँ तो टमाटर को मैं डाल देती हूँ क्योंकि अच्छे से मैं मसाला से मतलब जितना फ्राई करना बस फ्राई हो चुका अच्छे से तो अभी टमाटर को हम अच्छे से जला लेते हैं। और एक टाइम बोले फ्रेंड मेरे घर पर ना नमक खत्म हो गया है तो नमक लाने के लिए गए दुकान तो दुकान इधर बंद हो जाती है जब वो जल्दी दुकान वगैरह सब बंद हो जाता है तो अभी हम इसी का यूज़ कर रहे थे तो बिना नमक का दुकान तो कोई सब्जी टेस्ट नहीं रहा था फिर हम जो है अब यूज़ करने वाले काला नमक फ्रेंड क्या करेगा ऐसे अब नमक से नमक होती है दोस्त आए कोई भी नमक डालो नमक से नमक होती है अभी ये नमक मैं डालने वाली हूँ। और बताइए फ्रेंड कि आप लोग कैसे काम चल रहा है जब नमक खत्म हो जाता है तो मेरे पास नमक नहीं मिल रहा है मैं अभी यही नमक यूज़ करने वाली हूँ काला नमक भगवान का सब्जी अच्छा बन जाए वरना तो मेरे तो चौपट हो जाएगा आज का। और आज बनाने में काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया कि नमक भी नहीं निकल रहा यार क्या हो रहा है मेरे साथ में आज कल मैं दुकान में राशन नहीं बस राशन के साथ में नमक लेने भूल गए नमक लेना चाहिए था मेरे को इसलिए हो गया इतना नमक काफ़ी है जिसकी मतलब मिक्स कर लेते बस। और इसमें जो है मिर्ची मसाला भी ऐड कर देंगे थोड़ा देर में जिसका मछली कम टमाटर मिक्स कर लेते हैं और सब हम सोच रहे कि साथ ही साथ में भी ऐसे ही कर लेते हैं वरना क्या है उसको फ्राई करो फिर उसको फ्राई करो तो इसलिए चाहते हैं मिर्ची मसाला भी यूज़ कर लेते थे ताकि नमक इसके बराबर रहे। और काला नमक डाले ना फिर तो काला नमक का ना गंदा हो रहा है नाश्ते कभी मिर्ची मसाला डाले ताकि गंद ना आए और टेस्टी लगे फ्रेंड खाने को जितना मिर्ची मसाला था सब डाल दिए
और बताइए सही मैच में पागल हो गए थे नमस्ते वजह से उसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसको हम अच्छे से और तरीके से फ्राई करते हैं। उसके बाद आलू भिंडी डाल के फिर पानी डाल देंगे उसको बॉयल होने डाल देंगे। फ्रेंड कैसे लग लेंगे मेरे ब्लॉग पे यूट्यूब फैमिली मेरे ब्लॉग आप लोगों को पसंद आए तो आप लोग लाइक शेयर कमेंट कीजिए जिससे प्यार और आशीर्वाद देते रहिए फ्रेंड जैसे हमें देते हैं हमेशा की तरह। और बताइए ब्लॉग आप लोगों को कैसे लगा फ्रेंड और मेरे तो लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा आया है बताइए फ्रेंड। चलो अभी हम ब्लॉग बंद करते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पर तब तक के लिए आप लोग जॉइन रहा हूँ मेरे साथ में। चलो बाय बाय टाटा।